अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है वो हम लर्न करेंगे मैवन रेपोजिटरी। मैवन रेपोजिटरी जो है वो डायरेक्टरी है पैकेज जार फाइल की विद पॉम एक्सएमएल फाइल के साथ। मैवन सर्चेज जो है वो डिपेंडेंसीज के लिए रेपोजिटरी में जो है वो यूज कर रहे हैं। इसकी बेसिकली जो है वो थ्री टाइप्स है मैवन रेपोजिटरी। फर्स्ट है लोकल रेपोजिटरी, सेकेंड है सेंट्रल रेपोजिटरी एंड थर्ड आती है रिमोट रेपोजिटरी। हम जो है वो यहाँ पे थ्री टाइप जो है स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो में। ये जो है वो ग्राफ पुट किया गया लोकल रेपोजिटरी, देन सेंट्रल रेपोजिटरी कन्वर्ट हो रही है, उसके बाद देन रिपोर्ट रेपोजिटरी। ये जो है रिप्रेजेंट किया गया लोकल है सेंट्रल एंड रिमोट रेपोजिटरी में। ये फॉलोइंग स्टेप्स जो है बताया गया प्रोसेसिंग है और थ्रो कर रहे हैं एरर को। हम जो है वो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैवन लोकल रेपोजिटरी। मैवन लोकल रेपोजिटरी जो है वो लोकेटेड है इन योर लोकल सिस्टम में और क्रिएट कर रहे हैं मैवन जब रन कर रहे हैं एनी मेथड कमांड। बाय डिफॉल्ट मैवन लोकल रेपोजिटरी जो है वो जिसके अंदर यूजर होम पुट किया गया डायरेक्टरी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो लोकेशन पास वगैरह जो पुट किया गया। इस तरीके से जो है वो रेपोजिटरी को फाइंड किया गया, देखिए सी यूजर्स वगैरह यहाँ पे इसको ऐड किया गया फाइल फोल्डर के थ्रू। अपडेट किया गया लोकेशन ऑफ लोकल रेपोजिटरी। हम जो है वो चेंज कर सकते हैं लोकेशन ऑफ मैवन लोकल रेपोजिटरी, चेंज करनी है अपने सेटिंग एक्सएमएल फाइल और ये लोकेटेड है मैवन होम जिसमें कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग एक्सएमएल से इसको रिप्रेजेंट किया गया। एग्जांपल है ई फोल्डर है अपैच मैवन, ये वेरिएंट वगैरह पुट किया गया। 3.1 वेरिएंट है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग एक्सएमएल। यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफॉल्ट कोड ऑफ सेटिंग एक्सएमएल फाइल, इसमें सेटिंग की गई है एक्सएमएल, सेटिंग करनी है अपने एक्सएमएल फाइल। ये रिसोर्स पुट किया गया सोर्स, एक्सएमएल पाथ पुट किया गया, लोकल रेपोजिटरी से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया। Path to the local repository maven will use to store artifacts. Default variable user home put किया गया m2 repository. Local repository opening and closing tags है जिसके अंदर path to local repositories इसको identify किया गया। Again setting closing tags है। हम जो है अब change कर रहे हैं path to local repository से और change करने के बाद path जो है वो local repository इस तरीके से look like देगी। Setting XML है, setting XML path put किया गया local repository जिसमें यहाँ पे देखें ई फोल्डर है मैवन लोकल रेपोजिटरी इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। अब जो है वो देखें पाथ जो है वो लोकल रेपोजिटरी का ई से आइडेंटिफाई किया गया, ऊपर जो है वो पाथ सी था, अब यहाँ से चेंज किया गया मैवन लोकल रेपोजिटरी का ई से इसको आइडेंटिफाई किया गया। सेकेंड है मैवन लोकल सेंट्रल रेपोजिटरी। मैवन सेंट्रल रेपोजिटरी जो है वो लोकेटेड है वेब पे और क्रिएट कर रही है पैच मैवन कम्युनिटी इटसेल्फ। पाथ ऑफ सेंट्रल रेपोजिटरी जो है वो ये पुट किया गया पाथ इसका, जिसमें यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट वगैरह पुट की गई है मैवन और ओआरजी। और सेंट्रल रेपोजिटरी कंटेन कर रही है लॉट ऑफ कॉमन लाइब्रेरीज जो व्यू कर रहे हैं बाय दिस यूआरएल, ये जो है वो सर्च वगैरह जो है ब्राउजर वगैरह आइडेंटिफाई किया गया। सेकेंड जो है इसके अंदर आप जो है पाथ वगैरह जो है वो इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं सेंट्रल रेपोजिटरी में, ये देखे व्यू कर सकते हैं अपने पाथ वगैरह को, सर्च मैवन ऑर्गेनाइजेशन ब्राउजर वगैरह ये सारी चीजें मेंशन है। थर्ड जो है वो टाइप हम डिस्कस करते हैं मैवन रिपोर्ट रेपोजिटरी रिमोट रेपोजिटरी। मैवन रिमोट रेपोजिटरी जो है वो लोकेटेड है वेब पे, मोस्ट ऑफ लाइब्रेरीज जिसको मिस कर रहे हैं फ्रॉम द सेंट्रल रेपोजिटरी सच एज जे बॉस लाइब्रेरी, जिसमें हमें नीड एडेंट जो है वो डिफाइन कर रहे हैं रिमोट रेपोजिटरी इन द फॉर्म एक्सएमएल फाइल और कोड जो है वो बताया गया जिसके अंदर आप एड कर रहे हैं जे यूनिट लाइब्रेरी इन फॉर्म एक्सएमएल फाइल। ये पॉम एक्सएमएल फाइल पुट की गई है प्रोजेक्ट एक्सएमएलएनएस, उसके बाद ये जो है वो सर्वर वगैरह पुट किया गया लिंक वगैरह। अगेन यहाँ पे जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है मॉडल वर्जन है 4.0 मॉडल वर्जन क्लोजिंग टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। अगेन ग्रुप आईडी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है, आर्टिफैक्ट जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग इसमें माई एप्लीकेशन 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वर्जन पुट किया गया 1.0 वर्जन। पैकेजिंग जार पुट किया गया पैकेजिंग क्लोजिंग टैग। अगेन नेम पुट किया गया मैवन क्विक स्टार्ट आर्ची टाइप और ये पुट किया गया नेम क्लोजिंग टैग्स। अगेन यूएल पुट किया गया जिसमें लिंक है। डिपेंडेंसीज जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। ग्राउंड आईडी आर्टिफैक्ट ये सारी चीजें के मेंशन है। प्रोजेक्ट जो है वो क्लोजिंग टैग्स है, इसमें बेसिकली जो है वो सर्च कर सकते हैं एनी रेपोजिटरी फ्रॉम मैवन ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो यहाँ पे जो है शेयर की गई है एमवीएन जिसमें मैवन रेपोजिटरी डॉट कॉम से आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर्च आउट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इसमें जो है वो शेयर किया गया रेपोजिटरी टाइप्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज एवरीवन।